Hey guys, subscribe Jelly Dude channel and press the bell icon for the new video. हेलो गाइस, मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। और आज का जो वीडियो है वो है यूनिक वैरायटी ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो आज मैं आपको दो डिफरेंट यूनिक वैरायटी ऑफ प्लांट्स दिखाने वाला हूं। एक तो है बर्ड नेस्ट फर्न और जो दूसरा है वो है अर्थ स्टार। ये दो वैरायटी है जो आपको मैं दिखाऊंगा अपने इस वीडियो में। तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं आप, क्योंकि ये जो वैरायटी है वो ये थाईलैंड की वैरायटी है और जनरली आपको दिल्ली एनसीआर में देखने के लिए मिलते नहीं है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको बहुत ही यूनिक वैरायटी दिखाने वाला हूं। ऑलमोस्ट 4 to 5 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ब्रोमेलियाज दिखाऊंगा। ये ब्रोमेलियाज फैमिली से आता है और नाम है अर्थ स्टार और इसे क्रिप्टेंथस भी बोलते हैं। तो ये प्लांट थाईलैंड की वैरायटी है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और इसकी जो लीव्स हैं वो बड़े ही प्यारे होते हैं और इसकी जो कटिंग है लीव्स की, बिल्कुल आप बोल सकते हो किसी स्नेक के जो कवर होता है वो उसकी तरह लगता है ये बिल्कुल। तो इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये जो आप कलर देख रहे हैं बीच में ब्लैक है और राइट साइड में पिंक है। तो एक वैरायटी और आती है जिसमें वो बिल्कुल रेड होता है और साइड में ब्लैक होता है। तो बहुत सारी अलग अलग कलर्स और वैरायटीज़ आपको मिल जाती है। इसके अंदर फ्लावरिंग भी होती है और ये थोड़े से कॉस्टली प्लांट्स हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो लगभग 400 रुपये तक का ये प्लांट की कॉस्टिंग है। और अगर मैं बात करता हूँ सॉयल की, तो सॉयल आप बिल्कुल वेल ड्रेन सॉयल रखिए, जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक हिस्सा आप अपना मिट्टी रखिए और एक हिस्सा उसमें आप बजरी या फिर आप सैंड वगैरह मिक्स कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट मिक्स कर लीजिए, काओ गोबर का जो खाद होता है वो यूज़ कर लीजिए, इतना काफ़ी होता है। और जो मेन टेक केयर करने वाली जो बात है वो है कि आप इसे धूप में ना रखें। जैसा भी आप इसे धूप में रखेंगे तो बिल्कुल ही इसका जो लीव्स है वो बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा और डेड होने लग जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इसे धूप में ना रखें, बट इसके ऊपर लाइट हमेशा पड़ती रहनी चाहिए जिससे कि ये अच्छा ग्रोथ करता रहता है। तो ये एक इंडोर प्लांट है तो आप इसे शेडी एरिया में रखिए, बट हाँ सुबह की धूप आप हल्की सी दे सकते हैं, बट उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो ये प्लांट डेड होने लग जाते हैं। तो गाइज, ये सेकेंड प्लांट है और ये ब्रोमेलियाज फैमिली से ही आता है, क्रिप्टेंथस जिसे बोलते हैं। और एग्जैक्ट नाम मुझे इस प्लांट का नहीं पता है, बट ये शायद अर्थ स्टार फैमिली से ही बिलोंग करता है। अगर आपको एग्जैक्ट नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस प्लांट का क्या नाम है। अगर मैं बात करूँ ब्रोमेलियाज फैमिली की, तो इसे ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो ह्यूमिडिटी है वो बनी हुई ही रहे इसके आसपास, आप जहाँ भी रखते हैं। तो ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप सिंपल एक ट्रे ले लीजिए, ट्रे में अगर पानी डाल के उसमें मिट्टी या फिर आप कुछ स्टोन्स डाल देते हैं तो उस एरिया का जो ह्यूमिडिटी है वो बना हुआ रहेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जो अगर आप कट्टा होता है जो यूज़ होता है सामान ले के जाने वगैरह में, तो वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, गमले के नीचे आप लगा लीजिए और उसे गीला करते रहिए और इसे तो उस एरिया का जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाएगा और उसे इस प्लांट की ग्रोथ के लिए ह्यूमिडिटी इसे चाहिए। तो इस तरह के प्लांट्स भी आप बाय कर सकते हैं, थोड़े से कॉस्टली प्लांट्स होते हैं। प्राइसिंग लगभग आपको 400 रुपये में आप ये प्लांट बाय कर सकते हैं। गाइस, ये थर्ड प्लांट है मेरा और ये भी अर्थ स्टार है। मैंने जैसा बताया कि अर्थ स्टार की बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ आती है, उन्हीं में से ये भी एक है, जिसमें आप देख सकते हैं जो इसके जो बीच के जो लीव्स हैं वो ब्लैक और ग्रीन के कॉम्बिनेशंस में बने हुए हैं और साइड में पिंक का पैच है। तो ये बिल्कुल एक स्नेक की तरह लुक देता है ये प्लांट। आप इसे हैंगिंग्स में लगा के भी आप अपने घर में लगा सकते हैं या अपने किचन में जहाँ थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई हो वहाँ लगा सकते हैं, या फिर वॉशरूम वगैरह में भी आप इसे हैंग कर सकते हैं, बड़े ही प्यारे लगते हैं। तो इसे आप अपने होम डेकोर की तरह भी इसे यूज़ करेंगे, बहुत ही प्यारे लगते हैं। जो मेन बात है इस प्लांट के बारे में कि ये प्लांट अगर डेड होने लग जाता है, एक बार फ्लावरिंग होने के बाद अगर ये प्लांट डेड होने लगे तो आपको लगेगा कि इतना सारा पैसा आपने डाला इस प्लांट में और ये डेड हो रहा है। तो इसके आप उस बात की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि इसके साइड में बेबी प्लांट्स इसके निकल जाते हैं और वो
उससे आपके कई सारे प्लांट्स इसमें तैयार हो जाते हैं एक ही प्लांट से। आप अगर उसी में इस प्लांट को छोड़ देते हैं जिस गमले में लगा हुआ है ये, तो भी ये वहाँ भी ये प्लांट्स आपके डेवलप हो जाते हैं, या फिर आप उसे कट करके अलग लगाना चाहते हैं तब भी वो प्लांट आप ग्रो करा सकते हैं। तो इस तरह के प्लांट बहुत ही यूनिक होती हैं, तो आप इस तरह के प्लांट बाय कीजिए। प्राइसिंग लगभग वही सेम होती है, 400 रुपीज़ इसकी प्राइसिंग है, तो ये भी आप बाय कर सकते हैं। गाइस जो मैं नेक्स्ट प्लांट लेके आया हूँ वो है बर्ड नेस्ट फर्न, और अगर मैं बात करूँ इसके बोटानिकल नेम की तो एस्प्लेनियम न्यूडोस फैमिली से ये आता है। अगर मैं और इसकी जो हाइट होती है, ये ज़्यादा हाइट इसकी नहीं होती है, बट लगभग 20 से अब 60 इंचेस लॉन्ग इसकी हाइट होती है, और अगर मैं बात करूँ इसकी ब्रॉड की तो लगभग 4 से 8 इंचेस ब्रॉड होती है। और अगर मैं सॉइल टाइप अगर की बात करूँ तो नॉर्मल इसमें परलाइट आप मिक्स कीजिए और सॉइल रखिए, और जो नॉर्मल कंपोस्ट हम यूज़ करते हैं बाकी गमलों के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए ये एक टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की बात करता हूँ, ये एक ह्यूमिड क्लाइमेट से आता है ये प्लांट, तो इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। जैसे मैंने पहले भी बताया ह्यूमिडिटी के बारे में कि अगर आप ह्यूमिड रखना चाहते हैं तो आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इर्द गिर्द अगर आप पानी का थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो आपके इस प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई रहती है। लगभग 68 से लेके 80 आप बोल सकते हो डिग्री अगर फारेनहाइट के आसपास अगर ह्यूमिडिटी बनी हुई रहती है, टेम्परेचर रहता है, तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये समर सीज़न है और समर और स्प्रिंग में इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होती है। और अगर मैं बात करूँ वाटरिंग की, तो सिंपल आप इसके वेल ड्रेन सॉइल रखिए और पानी में सिर्फ मॉइस्चर इसके बने हुए रहना चाहिए। फर्टिलाइज़र की मैंने बात कर ली है, आप इसमें परलाइट वगैरह ज़रूर मिक्स कीजिएगा जिससे कि इसके जो ग्रोथ है प्लांट की वो बनी हुई रहे। अगर मैं इसकी बात करूँ कि आप प्लांट से और एक दूसरा प्लांट आप प्रोपोगेशन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा टफ होता है इस प्लांट को प्रोपोगेशन करना, क्योंकि ये एक मदर प्लांट होता है और इसे जनरेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें कोई फ्लावरिंग तो होती नहीं है, इसलिए प्लांट को रिप्रोड्यूस और दूसरा दूसरा प्लांट करना थोड़ा सा टफ होता है। अगर आप इसके लीव्स देखेंगे तो लीव्स बड़े ही डिज़ाइन के होते हैं और बिल्कुल फोल्ड फोल्ड होते हैं, और बड़ा ही प्यारा होता है। जब स्टार्टिंग से ही जब प्लांट जब न्यू लीव्स निकलने लगते हैं तो इसमें उसके कर्ल स्टार्ट हो जाते हैं इसमें। तो मैं आपको एक प्लांट और दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल ही सेम है, वैरायटी की है बट थोड़े से वो डिफरेंट है। तो ये जो इसका जो कर्ल है वो बिल्कुल लास्ट स्टार्टिंग से ही इसके कर्ल स्टार्ट हो जाते हैं लीफ के, और जो दूसरा प्लांट है वो दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसका दूसरा प्लांट है, और लास्ट वाले प्लांट और इस प्लांट में ये डिफरेंस है कि जो इसके जो कर्ल हैं वो मतलब पहले जो लीफ निकल रहे हैं वो तो सीधे निकल रहे हैं, उसके बाद कर्ल्स स्टार्ट हो रहे हैं, और कर्ल्स जितने भी हैं पंचेस जितने फोल्ड हो रहे हैं लीफ इसके वो लास्ट में हो रहे हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल सीधे इसके निकलते हैं और लीव्स, और बाद में जाके कर्ल हो जाते हैं। तो ये दो वैरायटी है, एक में तो हल्के कर्ल हैं और दूसरे में काफ़ी ज़्यादा कर्ल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह के जो ह्यूमिड क्लाइमेट वाले प्लांट्स हैं वो स्प्रिंग सीजन और समर में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस तरह के प्लांट थोड़ा सा यूनिक वेराइटी है, फर्न की बहुत सारी वेरायटी आती है, तो ये थोड़ा सा आपको इसको टेक केयर करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट सनलाइट देना होगा, तो इस तरह का ध्यान आपको थोड़ा सा रखना होगा तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो लगभग लगभग अगर आपको 400 रुपये में इस तरह के प्लांट्स आप बाई कर सकते हैं। इस प्लांट के बारे में एक दो चीज़ें और बता दूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्लांट एक इंडोर प्लांट है तो ये इंडोर प्लांट नहीं है। आप अगर घर में घर के अंदर रखेंगे इस प्लांट को तो ये प्लांट परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करेगा, आपको इसको पार्शल सनलाइट देना बहुत ज़रूरी है। ये एक ह्यूमिड क्लाइमेट से आता है प्लांट, अगर मैं बात करूँ तो ये एक तरह का मैं बोलूँगा ये एक जंगली प्लांट है। जो बड़े बड़े प्लांट्स आप लगे हुए रहते हैं और उसके जो नीचे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो फर्न होते हैं, तो उस वेराइटी से ये बिलोंग करता है। और इसको बिल्कुल आप ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है तो ह्यूमिडिटी आप बनाए रखिए इर्द गिर्द, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा गीला अगर कुछ भी अगर कपड़े उपड़े आप रखते हैं इसके इर्द गिर्द तो ह्यूमिडिटी बनी हुई रहती है उस जगह की, और ये प्लांट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। विंटर इसका बिल्कुल आप बोल सकते हो स्लीपिंग फेज होता है, उसमें बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता, वो बिल्कुल शांत रहता है और
ग्रोथ इसकी बिल्कुल रुक जाती है विंटर में, तो आप विंटर में इसे थोड़ा संभाल के आपको केयर करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर वगैरह देना नहीं है, बिल्कुल आप इसे छोड़ दीजिए इसके रेस्ट मोड पे। और ये फिर आप जो समर और स्प्रिंग होता है तो उसमें ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, तो अभी ये फेज है इसका। तो आप इस तरह के प्लांट आप बाई कर सकते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट हाँ आप इस तरह के प्लांट अपने कलेक्शन में आप रख सकते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।